बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेस्टी फूड कुजिन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम टी टाइम में भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसे डिनर में चपाती या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और हम इसे बर्गर बनाकर भी खा सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्टेप छूट ना जाए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये 1 किलो बीफ लिया है, बीफ बोटी ली है, जिसे हम कुकर में डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे हसबे जायका, और इसी के साथ साबुत मिर्च है, ये हम इसमें डालेंगे। ये साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, ये हम इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, दालचीनी और ब्लैक पेपर डालेंगे। साथ ही में हम इसमें बे लीफ डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पैक करके हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और कुक करेंगे, हाफ डन करेंगे हम इसे। साथ ही में हमने 1/2 kg चने की दाल ली है, जिसे हमने धोकर भिगोने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हमने इसे कुक किया है, अब ये हाफ डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ली हमने 1 अदद, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हमने ये जो दाल हमने भिगोई थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें इतना पानी है कि हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में ये कुक हो जाएगा, दाल गल जाएगी। अब हम इसे फिर से पैक करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है, हमने सिर्फ 1 सीटी पर हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, दाल अच्छे से गल चुकी है, देखिए। अब हम इसमें से ये बे लीफ और ये तज है, ये हम निकाल देंगे, और इसके बाद हम इसको इस दस्ते की मदद से हम इसको पीसेंगे। ये सारे मसाले भी इसके अंदर पीस जाएंगे और बोटी भी अच्छे से रेशे रेशे हो जाएगी। ये देखिए बोटी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। बहुत अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसको दस्ते की मदद से कूट लेंगे। देखिए ये सारा अमल हमें, ये गरम है, इसी में करना है हमें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ज़रा मुश्किल होगा, तो इसलिए हमें ये सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। ये सारा प्रोसेस हम गरम गरम में ही करेंगे, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा और बहुत स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह सारे मसाले भी इसी में पिस जाएंगे।
और अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से पीस लिया हमने इसे। ये देखें इसका रेशा देखे नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छे से पीस चुकी है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें धनिया ऐड करेंगे और पुदीना ऐड करेंगे। एक दरमियानी प्याज लिए इसे हमने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। और अगर इसे स्टोर करना हो तो इसे बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए प्याज को, तब हम इसे स्टोर कर सकते हैं और इजीली हम इसे 15 दिन या 1 महीने तक हम इजीली आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टोर की हुई शाम के बाद। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने एक अंडा लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बीट करके हम इसको इसके साथ शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। हमने एक बाउल में अंडा लिया है, अब हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसमें झाग बना लिए हैं। हमने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम कबाब को अंडे में डिप करके इसको फ्राई करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको
निकाल लेंगे। हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इस तरह सारे कबाब निकाल लेंगे। ये देखें सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखें किस कदर रेशेदार बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर चाहें तो हम इसे बंद कबाब बनाकर हम इसे डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसे टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगते हैं। तो उम्मीद है आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप कि आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी को। और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।